वेलकम टू इन हाउस रेसिपीज फ्रेंड्स। आज मैं आपको पनीर की एक ऐसी रेसिपी सिखाने वाली हूँ जो कि जब पनीर की रेसिपीज का नाम आता है तो उसका नाम जरूर आता है, जो कि है कढ़ाई पनीर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये हम 3 लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया है 150 ग्राम पनीर, 3 शिमला मिर्च, 3 टमाटर, 3 प्याज, 1 टीस्पून स्वीट टमाटो सॉस, 2 तेज पत्ता, 3 लौंग, 1 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 इंच दालचीनी, 6 बड्स लहसुन के, 2 इंच अदरक, 1 चम्मच हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, 2 चम्मच मलाई, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 4 पिंच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/3 टीस्पून भुना हुआ जीरा, और बनाने के लिए अपनी सब्जी को तेल। सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को काटेंगे। शिमला मिर्च को हमने पतला पतला काटना है बीच में से, ये हमने पोर्शन निकाल देना है शिमला मिर्च का, और इसके बाद इसके लंबे लंबे स्लाइसेस इस तरह से हमने करने हैं। अब हम इसी तरह से अपनी प्याज को भी लंबा लंबा काट लेंगे, ऐसे, ना ज़्यादा पतला रखना है आपने और ना ही ज़्यादा मोटा। हमने अपनी 2 प्याजों को इस तरह से काटना है लंबा लंबा, और 1 प्याज को हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। अब इसी तरह से हमने अपने 2 टमाटरों को लंबा लंबा काटना है इसी तरह, और अपने इस 1 टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में। अब हमने अपने पनीर के भी स्लाइसेस करने हैं, और वो भी हम लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स उसकी काटेंगे इस तरह से। अब हम अपनी जिंजर और गार्लिक को ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी इस 1 प्याज को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसी तरह से हम अपनी हरी मिर्च और टमाटर को भी, जो हमने 1 रखा था ग्राइंड करने के लिए, उसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। अब हम इस गरम तेल में अपनी काटी हुई शिमला मिर्च थोड़ी सी रोस्ट करेंगे। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी शिमला मिर्च को बाहर निकाल लेंगे पैन में से। अब हम इसी पैन में अपनी प्याज डालकर रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक। इसे हमने लगातार चलाते रहना है। प्याज हमारा हो चुका है, अब हम इसे भी एक प्लेट में पैन से बाहर निकाल लेंगे। पैन में दोबारा से 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। अब हम इसमें अपने पनीर स्लाइसेस डालकर इन्हें रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट तक। पनीर को भी हमने हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। पनीर हमारा हो चुका है, अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम अपने टमाटर भी रोस्ट करेंगे कटे हुए। इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे और लगभग 2 मिनट तक। टमाटर भी हमारे हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालकर उसे गरम करेंगे। अब हम इसमें तेज पत्ता डालकर और लाल मिर्च अपनी साबुत को बीच में से तोड़कर छोटा छोटा डालेंगे, और इसी में हम अपनी दालचीनी और लौंग डाल देंगे और इसे 30 सेकेंड्स के लिए भूनेंगे। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालकर उसे भूनेंगे। ये हमने मीडियम फ्लेम पर भूनने हैं। अदरक लहसुन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें अपने टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें नमक, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला डालकर इसे भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भुन ना जाए और मसाला घी ना छोड़ दे। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, अब हम इसमें अपनी सॉस डालेंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी सभी रोस्ट की हुई सब्जियां जैसे टमाटर,
शिमला मिर्च और पनीर डालकर इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। इसे हमने लो फ्लेम पर रखना है जब तक हम इसे मिक्स करेंगे। सभी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। हमने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी सब्जियों को एक बार फिर से हल्का मिक्स करेंगे और इसमें अपनी मलाई, फ्रेश क्रीम और धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब ये हमारा कढ़ाई पनीर तैयार हो गया है। अब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, हमारा माउथ वाटरिंग कढ़ाई पनीर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे नान, दाल, रोटी किसी के भी साथ खाकर इसका आनंद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।